जब तक हमारी जेब लग रही है तब तक हम बैठ के इधर। तो हम वैसे इतना कहना चाहते कि रक्षाबंधन आ रहा है, फिर ये खुशी है, मुस्कान रही है, और भाइयों के पास जाइए राखी बांध दीजिए। अगर बहनें नहीं आ पाती तो बहनें भाई चला जाए या बहनें चली जाएँ। अच्छा, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ये नहीं कहती किसी किसी के लिए रहता है कि रक्षाबंधन आएगा, भाई मेरा इतना बड़ा गिफ्ट देगा, ये देगा, वो देगा, लेकिन मेरा अलग ही मानना रहता है। मेरा ना अलग ही मानना है कि ना शायद मैं थोड़ी हटके हूँ, मेरे लिए रहता है कि गिफ्ट से बढ़कर वक्त। जो भाई दीदी के लिए जो वक्त रहता है ना, गिफ्ट तो हम मार्केट से आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, छोटा से बड़ा गिफ्ट ले लेंगे, बड़ा से बहुत छोटा, उससे भी बड़ा ले लेंगे, लेकिन जो वक्त रहता है ना वक्त नहीं मिलता। तो भाइयों को मैं यही कहूँगी कि आपकी बहनें ज़्यादातर आपसे वक्त मांगती है, कभी उनके घर जाओ, उनका हाथ पकड़ के उनसे पूछो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद बहुत सफ़र कर रही होंगी, शायद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, कुछ बातें होंगी जो सबके सामने नहीं कह पा रही होंगी, तो उन्हें वक्त दीजिए, उनसे पूछिए कि क्या चल रहा है, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसलिए बहने भाई से कभी बड़ा बड़ा गिफ्ट की डिमांड नहीं करती, नहीं ये चाहिए वो चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, बहनों को सिर्फ और सिर्फ वक्त चाहिए रहता है, क्योंकि एक उम्मीद रहती है, चाहे बड़ा भाई हो तो उससे उम्मीद रहती है, बहन छोटी हो, अगर छोटा भाई है तो बड़ी बहन को भी उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा भाई पूछे मुझसे कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या है, तो पूछना ज़रूरी रहता है। मैं ये नहीं कहती कि उनकी तकलीफों में कोई भी बहन भी नहीं चाहिए कि मेरी तकलीफ में हमेशा मेरा भाई खड़ा रहे, लेकिन कभी कभी कैसे होता ना कि ये होता है कि शायद मैं सुन ले मेरा भाई मेरी फीलिंग को शायद समझे, या फिर बहन के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है तो भाई समझा दे, लेकिन हाँ वक्त निकालो तो ऐसे निकालो कि सुनने की हिम्मत रखो, ये नहीं कि बीच में बहुत जने पहले सुनते हैं फिर वैसे मत निकालो, सुनने की हिम्मत रखो, पहले सुनो फिर उसके बाद जज करो। सब कुछ ज़रूरी है, फ्रेंड सर्कल सब कुछ ज़रूरी है, काम वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस रिश्ते को भी थोड़ा सा गिफ्ट से मत करो कि तुम भर भर के एक गिफ्ट ले आए दे दे, नहीं सब एक जैसे नहीं होते, सबको गिफ्ट नहीं चाहिए, वक्त चाहिए रहता है, तो देने की कोशिश करिए, पूछने की कोशिश कीजिए। बहुत से बहनें उम्मीद लगा रहे थे कि भाई आया है तो भाई मेरे घर आएगा और मुझसे पूछेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती जो माँ से नहीं कह सकते, पिता से नहीं कह सकते, क्योंकि अलाउड नहीं रहता है कहना, सच कहूँ तो अलाउड ही नहीं रहता है, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं इसके लिए, क्योंकि कैसा था ना कभी कभी अगर हम कुछ कहते हैं ना तो माएँ कैसी होती है, ठकने लगती हैं, दूसरों की गलतियाँ नहीं देखती, तो इसके लिए उम्मीद रहती है बहन को कि हाँ भाई आएगा तो उससे बैठ कर बातें करेंगे, और जब उम्मीद टूटती है तो वो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए बहनों को, रक्षाबंधन पे गिफ्ट नहीं वक्त दीजिए, वो ज़रूरी रहेगा, वक्त दीजिए, वक्त भीख में दिया हुआ वक्त नहीं, गिफ्ट समझ कर वक्त दीजिए। बहुत कुछ ऐसा रहता है ना कि मतलब सबके सामने नहीं कह सकते अपने कि ये इंसान ऐसा है या फिर इस इंसान ने ऐसे ऐसे, बहुत कुछ रहता है, तो जब आप अकेले बैठोगी ना और आप कहोगे ना तो अच्छे से बता पाएंगे, तो देखा जाए काफी फर्क तो यहीं पे आ जाता है, इसलिए कहती हूँ वक्त दीजिए।
मेरा भाई जब छोटा था, मैं अपने ससुराल में थी, छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, बहुत समझदार हो गया है, समझदारी से काम लेता है। तो जब वो छोटा था ना, कुछ होता था हमारे यहाँ ससुराल में, कुछ ऐसी बातें होती थी, और आज भी होती ना तो भी मैं कहती हूँ, कुछ भी ऐसे होता था ना कोई बात ना, पे मजे जब ऐसी बातें होती ना तो बहुत थोड़ी सी रो कर नहीं मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ी सी निकल जाती भाई, सब मजबूत होंगे, बहुत मजबूत होंगे सब, बहुत एक दो जन बोलते कि मुझे तो हम रोते नहीं क्या, हमें तकलीफ नहीं होती, तो बहुत मजबूत है भाई, महान है, मैं महान नहीं हूँ, भूल जाऊँगी अपनी बात ही। तो जो मेरा भाई छोटा है, मतलब आज भी है, तभी भी मैं कहती थी जब मेरा भाई छोटा था कि कुछ होता था इसे ससुराल में, या फिर कुछ किसी टॉपिक पे कोई कुछ ऐसा बोलता था तो मैं बोलती थी मेरे भाई को बड़ा होने दो, मेरे भाई को बस बड़ा होने दो, अभी छोटा है ना बड़ा होने दो, जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा ना फिर उसको सब बताऊंगी। वक्त ही नहीं मिला बैठने का ऐसी बातें करने के लिए, वो भी बिजी ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, मैं भी बाहर चला गया, वक्त ही नहीं मिला, ज़रूरी था वो भी ज़रूरी था, सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें शायद कहीं ये चीज़ शायद कहीं इतनी ज़रूरी नहीं थी। बड़ी बहनों को क्या ज़रूरत रहती है, बड़ी बहनें भी इंसान होती हैं, टूटती हैं, उन्हें भी ज़रूरत रहती है। बस इतना कहूँगी कि अपने भाई से कहूँगी कि जब भी आओ वक्त निकाल के आओ, थोड़ा वक्त अपने हिसाब किताब में मेरा भी रखना, सिर्फ मेरा, जहाँ सिर्फ मेरा हो वक्त, चाहे 5 मिनट का हो, लेकिन वो सिर्फ वक्त मेरा हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं, बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ भाई तुझे, क्योंकि मेरी पर्स कभी ये बात इसलिए याद आई क्योंकि मैंने पर्स देखा कि एक सामने है ना इसे बगल में, तो उनके भाई आया है और गिफ्ट बोले कि रक्षाबंधन को नहीं आऊँगा, गिफ्ट दिया और फिर चाय पी और चले गए। तो बहुत ऐसा भाइयों के लिए कि प्लीज़ अपने बहनों को वक्त दो, और मेरे भाई को भी मैं स्पेशली कह रही हूँ, भाई आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 5 मिनट का वक्त सिर्फ मेरे लिए, अपने हिसाब की डायरी में लिख लेना, और कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, सब सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। वो कहते हैं ना मतलब नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बट क्या करूँ, वो ठीक है ना, अगर मैं हंसती आप लोगों के साथ तो रोऊंगी किसके सामने, आप ही लोग कहते ना मैं के मैं भाई और ससुराल में देवर, भाई तो है मेरा, बहुत समझदार है, सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है, ऐसा नहीं फोन भी करता रहता है, बात भी करता है, सही है, बस ऐसी थोड़ी सी भावना अभी बहेगी, लेकिन जो देवर की रिश्वत में खाती हूँ, एक ऐसा होना होता है ना ससुराल में कोई ऐसा देवर की, हाँ जो पूछे भाभी से कि हाँ क्या हुआ, उस चीज में कमी है, कमी है, तो हम इतना बात नहीं।